हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 16 और 17 जुलाई का करंट अफेयर्स। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया? अभी हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? केरल, उत्तराखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु। इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के सरकार के द्वारा हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया है। यह गठन किया गया है वहाँ के ऐतिहासिक अवशेष, स्मारक, उनकी समृद्ध संस्कृति, भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी संरक्षण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? आधुनिक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, जेफ बेजोस, अनिल अंबानी, मार्क जुकरबर्ग। इसका आंसर होगा जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक। ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं अभी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशगर नहर परियोजना को देश के लिए समर्पित किया है। यह जो वंशगर नहर परियोजना है, यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश। ये यूपी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो नहर परियोजना है यह उत्तर प्रदेश में है। गृह मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2019 से किस प्रकार के लाइसेंस रखने वालों के नाम राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल किए जाएंगे? यानी उनके जो भी लाइसेंस रखेंगे उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, उसके अंदर पूरे देश के लोग शामिल होंगे। चरपहिया, डीजल गाड़ी, बंदूक का लाइसेंस, पटाखे का लाइसेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बंदूक का लाइसेंस। अब जो बंदूक का लाइसेंस जिनके पास रहेगा उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। भूषण स्टील ने हाल ही में किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? भूषण स्टील, जिसका अधिग्रहण किया है टाटा ने। टीवी नरेंद्र, वीसी कल्याण, आनंद श्रीवास्तव, मधुरेंद्र शर्मा। इसका आंसर होगा टीवी नरेंद्र, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। पौधागिरी अभियान हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा पौधागिरी अभियान शुरू किया गया है। इस पौधागिरी अभियान के तहत इस मॉनसून सत्र में क्लास 6 से 12 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट एक एक पेड़ लगाएंगे और कुल टारगेट जो है वो 22 लाख पेड़ों का है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लिए बनाए गए डायन प्रताड़ना विधेयक 2015 को मंजूरी दी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका आंसर होगा असम। असम के लिए जो ये बना था डायन प्रताड़ना विधेयक, रोकथाम संशोधन जो भी है, तो वो असम के लिए था, उसको मंजूरी दे दी गई है। रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया है? इनमें से किनको राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया है? रघुनाथ महापात्र, राम सकल सिंह, सोनल मान सिंह, मुरली राव। इसका आंसर होगा मुरली राव, इनको नहीं किया है, बाकी तीनों को किया है। इनके साथ साथ एक और हैं, राकेश सिन्हा भी हैं, जिन इनको भी मनोनीत किया है। तो कुल 4 लोगों को इन्होंने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा भारत के किस जिले में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? सबसे सस्ती पेयजल परियोजना लखनऊ उत्तर प्रदेश, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, दरभंगा बिहार, अनंतनाग जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा दरभंगा बिहार। दरभंगा में दुनिया की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना सुलभ इंटरनेशनल बिंदेश्वर पाठक के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल कैप्टन सिंह सोलंकी को किस दूसरे राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है? हरियाणा में तो है ही है, इसके साथ साथ दूसरे राज्य का भी राज्यपाल बनाया गया है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम।
तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में DRDO के द्वारा किस मिसाइल का खराब मौसम में सफल परीक्षण किया गया? मिशन सफल था, मौसम खराब था। कौन सा वो मिसाइल था? पृथ्वी 2, अग्नि 4, ब्रह्मोस, नाग। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मोस, जिसे भारत रसिया के साथ मिलकर बना रहा है। ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य शिखर वार्ता किस स्थान पे आयोजित की गई? दोनों के मध्य शिखर वार्ता हुई, बहुत ही ऐतिहासिक वार्ता है ये। सेंट पीटर्सबर्ग, हेलिंस्की, सिंगापुर, वाशिंगटन DC। तो यह जो वार्ता थी वह सिंगापुर में हुई, और यह माना जाता है इस वार्ता के बाद दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह सुधरेंगे। नवाज शरीफ की बेटी बेटी जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान में गिरफ्तार करके सजा दिया गया, उसका नाम क्या है? मरियम, जुवेदा, साहबानो, आसिफा। तो इसका आंसर होगा मरियम। वह मशहूर कलाकार जिन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? अरुणा साईराम, की ओमान कुट्टी, आर रामदूत, कल्याणी गणेशम। तो इनका नाम है अरुणा साईराम। अरुणा साईराम कर्नाटक गायन शैली की मशहूर गायिका हैं, और यह जो कलानिधि पुरस्कार है यह मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा कर्नाटक संगीत में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सड़कों पर मौजूद गड्ढों के कारण 2017 में लगभग कितनी मौतें हुई? 3597, 2415, 1000, 2000। तो इसका आंसर होगा 3595। 3595 लोगों की मौत हो गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, क्रोएशिया। इसका आंसर होगा फ्रांस, और 20 साल के बाद फ्रांस जीता है क्रोएशिया को हराकर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 1998 में जीता था इन्होंने। फीफा विश्व कप 2018 का गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? गोल्डन बॉल लुका मॉड्रिच, एम बापे, सुआरोज, कार्लसन। इसका आंसर होगा लुका मॉड्रिच को गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया, और यह इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसको दिया गया? हैरी केन, ग्रीजमैन, लियोनेल मेस्सी, रोनाल्डो। तो इसका आंसर होगा हैरी केन। हैरी केन ये इंग्लैंड के हैं, इनको मिला है। तो ये रहा करेंट अफेयर्स 16 और 17 का। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं।